हेलो गाइस, कैसे आप? तो गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 17 ऑन पेज एसईओ फैक्टर जिनको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत कम टाइम में आप अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो एससीआरपी पर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, टॉप रैंक ला सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। एक एक टिप्स जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उनको फॉलो करोगे तो आप अपनी वेबसाइट को डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे, ये मेरा वादा है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे नंबर वन पर जो आती है वो आती है रेस्पॉन्सिवनेस। तो गाइस सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की रेस्पॉन्सिवनेस पर ध्यान देना होगा। तो गाइस क्या अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर या टैबलेट पर ओपन करता है, क्या तीनों डिवाइसेस में आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है? क्या आपका वेबसाइट का जो कंटेंट है, इमेजेस है, क्या आपकी जो बटन की फंक्शनलिटी है प्रॉपर तरीके से वहां पे दिख रही है? यूजर को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ये सब चीजें आपको सबसे पहले आपको ध्यान देनी होगी। तो गाइस नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टिप्स नंबर टू पर। तो गाइस टिप्स नंबर टू में पेज स्पीड और यूजेबिलिटी आती है। तो गाइस नेक्स्ट आपको ध्यान देना होगा आपको अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड पर, आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस स्पीड पर, किस तरीके की आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड है, क्या आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज 3 या 4 सेकंड के अंदर ओपन हो रहा है? अगर 3 या 4 सेकंड के अंदर आपका कोई भी पेज, आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज ओपन हो रहा है तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इतने टाइम तक तो यूजर वेट कर ही सकता है, स्किप नहीं करेगा। अगर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो 3 या 4 सेकंड के एक्सीड हो रही है, मतलब 7 सेकंड 8 सेकंड या 10 सेकंड लगा रही है ओपन होने में, तो डेफिनेटली आपके जो यूजर है उनके स्किप होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपकी वेबसाइट की स्पीड पर, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या किया है गूगल ने, अभी रिसेंटली यहाँ पे एक अपडेट निकाला है और उसको गूगल सर्च कंसोल में एक ऑप्शन ऐड किया है कोर वेब वाइटल नाम से। तो कोर वेब वाइटल्स में आप अपनी वेबसाइट के पर्टिकुलर पेजेस की जो एरर है वो कैटेगरी वाइज वहां पे डिफाइंड है, कोर कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी और गुड कैटेगरी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आप अपनी वेबसाइट की जो यूजर की जो यूजेबिलिटी होती है या इंटरेक्टिविटी होती है आपकी वेबसाइट पर, वहां पर रियल टाइम में वो डेटा आपको वहां पे दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे अपनी वेबसाइट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं पेज स्पीड को लेकर के या इंटरेक्टिविटी को लेकर के या यूजेबिलिटी को लेकर के। तो गाइस नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टिप्स नंबर थ्री पर। तो गाइस टिप्स नंबर थ्री है साइट आर्किटेक्चर। तो गाइस साइट आर्किटेक्चर पर आपको ज्यादा काम करना होगा, किस तरीके की आपकी जो वेबसाइट की स्ट्रक्चर है या नेविगेशन है वो किस तरीके का है, मतलब रिलेवेंट वेबसाइट वेब पेज पर रिलेवेंट वहां पे नेविगेशन है, रिलेवेंट मतलब वहां पे इंफॉर्मेशन है, तो कुछ इस तरीके की मतलब रिलेवेंसी आपको पेज में दिखानी होगी। आर्किटेक्चर आपको बढ़िया बनाना होगा वेबसाइट का, क्योंकि जिस पर्टिकुलर पेज पर जा रहा है उसी पर्टिकुलर पेज से रिलेवेंट आपको वहां पे इंफॉर्मेशन भी दिखानी होगी, जिससे क्या होगा यूजर के स्किप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टिप्स नंबर फोर पर। तो गाइस उसके बाद में आपको ध्यान देना होगा कि आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, वहां पे प्लेग्रिज्म कोई एरर तो नहीं है, वहां पे कंटेंट की रीडेबिलिटी क्या है और कंटेंट क्वालिटी कितनी है, वहां पे किस तरीके का मतलब आपको कंटेंट यूज करना है, ये आप चेक कर सकते हैं कि डुप्लीकेट ना हो, प्लेग्रिज्म ना हो वहां पे, और वहां पे कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़िया हो। तो इस तरीके के आप वहां पे कंटेंट की क्वालिटी को चेक करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं उनका यूज करके आप प्लेग्रिज्म और उनकी डुप्लीकेसी को चेक कर सकते हैं। तो गाइस टिप्स नंबर सिक्स है कैनोनिकल इश्यूज। तो गाइस आपको अपनी वेबसाइट में कैनोनिकल इश्यूज देखने होंगे, क्या आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल इश्यूज है? कैनोनिकल इश्यूज बेसिकली ये होता है कि मतलब आपकी वेबसाइट के एक पेज के मल्टीपल यूआरएल पे वो ओपन होती है, जैसे https, non-https, www, without www. तो कुछ इस तरीके के मतलब URLs मल्टीपल URLs बन जाते हैं। तो गाइस ऐसे में अगर आप कैनोनिकल URL का यूज नहीं करोगे तो गूगल का जो क्राउलर है वो ये सोचेगा कि आपके ये मल्टीपल पेजेस हैं लेकिन कंटेंट वहां पे सेम है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको पेनल्टी भी आ सकती है, आपको वहां पे रैंक में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो कैनोनिकल इश्यू का आपको यूज करना ही है, कैनोनिकल URL आपको हमेशा अपने अपने हर एक पेज पे यूज करना ही है। तो गाइस टिप्स नंबर 7 है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस जो भी इमेजेस आप अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं तो आपको ज्यादा उन पर ध्यान देना होगा, आपने अपनी इमेजेस में ऑल टैग यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, आपकी जो इमेजेस हैं वो लाइट है कि नहीं है, मतलब ज्यादा एमबी की तो नहीं है, तो ये सब आपको रिड्यूस करने पड़ेगा उनका वेट, और उस तरीके के फिर आप उनको इमेजेस को प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। तो गाइस इमेज ऑप्टिमाइजेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑल्ट टैग नहीं दोगे तो अगर कोई गूगल में कुछ सर्च करता है और इमेज के टैब में जाता है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपकी जो वेबसाइट में यूज होने वाली इमेजेस हैं वो गूगल पर शो हो जाए। तो गाइस टिप्स नंबर 8 है यूज ऑफ HTTPS। क्या आपने अपनी वेबसाइट में HTTPS यूज किया हुआ है, सिक्योर सर्वर ले रखा है,
तो गाइज अगर आपकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर आता है, वो देखता है कि आपने वेबसाइट में HTTPS यूज नहीं किया है, तो उसका ट्रस्ट थोड़ा सा आपकी वेबसाइट को लेकर के कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी वेबसाइट पर HTTPS यूज करना ही करना है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट खरीदते टाइम ये सिक्योरिटी तो यूजर को चाहिए चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं होगी किसी तरीके की, तो वो ट्रांजेक्शन आपकी वेबसाइट के साथ में नहीं कर पाएगा। तो गाइज HTTPS का यूज करना बहुत जरूरी है, आप अपनी वेबसाइट में यूज करना ही करना है। तो गाइस टिप्स नंबर 9 है यूजर फ्रेंडली यूआरएल। तो गाइस आपने अपनी वेबसाइट के जो यूआरएल हैं वो क्या यूजर फ्रेंडली बनाए हुए हैं? ऐसे तो नहीं है कि 123 और हाइफन और या क्वेश्चन मार्क इस तरीके के आप ना यूज करके एक पर्टिकुलर कीवर्ड बेस में आप अपने यूआरएल को बनाए। इससे क्या होगा, यूजर उसकी जो यूजेबिलिटी होगी यूआरएल की, तो वो गूगल क्राउलर को भी अच्छा लगेगा और यूजर को भी वो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर यूआरएल इस कीवर्ड के लिए बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए है। तो टिप्स नंबर 10 जो है वो होती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड का सिलेक्शन। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके के कीवर्ड आप अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पेज में यूज कर रहे हैं। तो गाइज ऐसा भी नहीं है कि एक कीवर्ड को आप अपनी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस में यूज करें, तो ऐसे में क्या होता है कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की जो ना चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में गूगल का जो क्राउलर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर किस पर्टिकुलर पेज को रैंक कराना चाहिए। तो ऐसे में वो कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा और आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज की वो रैंक नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में आपको कीवर्ड का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है और उसका यूटिलाइजेशन किस पेज पे वो टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक ही पेज एक कीवर्ड के लिए आपको देना होगा। तो गाइस कीवर्ड सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑनलाइन यहाँ पे टूल है, कीवर्ड प्लानर, ऊबर सजेस्ट और सेमरस, मोज, तो इस तरीके के टूल्स आप यूज करते हैं कीवर्ड फाइंड के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए। गाइस टिप्स नंबर 11 जो है यूज ऑफ हीट मैप। तो गाइस आप अपनी वेबसाइट में हीट मैप का यूज करना बहुत जरूरी है। इससे आपको ये पता लगता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे हीट मैप, बहुत सारे ऑनलाइन हीट मैप है जैसे क्रेजी एग है या हॉट जार है, उनका यूज करेंगे आप अपनी वेबसाइट में, तो यूजर का एक रियल टाइम में आप वहां पे वीडियोस रिकॉर्ड का भी ऑप्शन होता है, तो वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस आप दे सकते हैं कि पर्टिकुलर यूजर किस किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं और जो भी एरर आपको लगती है या जो भी कमी लगती है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना है हीट मैप के थ्रू। हीट मैप का जो सबसे अच्छा यूज है वो आप ये जानते हैं कि कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर पोर्शन से इंटरेक्ट ज्यादा हो रहा है, कितना परसेंटेज वो नीचे डेप्थ में जा रहा है पेजेस के, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप हीट मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस टिप्स नंबर जो 12 है वो है इंटरनल लिंकिंग। तो गाइस आपकी वेबसाइट में किस तरीके की इंटरनल लिंकिंग है वो आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर पेज के लिए आपने बहुत ज्यादा इंटरनल लिंक बना दिया, अदर इंटरनल लिंक को जो अदर पेजेस के जो इंटरनल लिंक है वो आपको आपने बहुत कम कर दिया, तो आपको पैरेलल इंटरनल लिंकिंग बनानी है हर पेज के लिए, एक पैरेलल इंटरनल लिंकिंग हो, तो इससे क्या होगा बैलेंस बना रहेगा आपकी इंटरनल लिंकिंग में। तो गाइस टिप्स नंबर 13 है सोशल मीडिया चैनल का यूज। तो गाइस आप अपनी वेबसाइट में आपके जो फेसबुक के, यूट्यूब के, ट्विटर के, लिंक्डइन के जो चैनल्स हैं उनको आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी वेबसाइट में यूज करना है, या तो आप हेडर में दे सकते हैं या फुटर में आप मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यूजर का एक ट्रस्ट बनेगा और वो आपके सोशल मीडिया चैनल पर जाकर के वो देखेगा किस तरीके की आपकी जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस। तो गाइस नंबर 14 पे जो आती है वो होती है साइट मैप। तो गाइस आपको अपनी वेबसाइट में HTML और XML साइट मैप का यूज करना होगा। XML साइट मैप और HTML साइट मैप बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं गूगल क्राउलर के लिए भी और यूजर के लिए भी। अगर गूगल क्राउलर को इन्फॉर्मेशन लेनी है आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस है, कौन कौन से पेजेस है, किस किस तरीके के कहाँ कहाँ पर है, तो आप जो तो गूगल का जो क्राउलर होगा वो अलग अलग यूआरएल पर ना जाकर के पर्टिकुलर एक साइट मैप पर जाएगा और वहां से आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल की इंफॉर्मेशन उसको वहां पे मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से यूजर भी आएगा, HTML साइट मैप अगर आपने क्रिएट किया हुआ तो वहां पे यूजर को भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की एक ही जगह से, एक ही पेज से वहां पे मिल जाएगा। तो गाइस टिप्स नंबर 15 है robots.txt फाइल का यूज करना। तो गाइस यहां पे robots.txt फाइल का यूज करके आप गूगल क्राउलर को ये बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के किस पेज को उसे इंडेक्स करना है, किस पेज को वहां पे गूगल सर्च इंजन पे शो कराना है कि नहीं कराना है, वहां पे कंट्रोलिंग का जो सिस्टम होता है गूगल को सर्च इंजन पे क्या दिखाना है, क्या क्राउल करना है, क्या इंडेक्स करना है,
तो ये सारे के सारा जो कंट्रोल है वो रोबोट टीएक्सटी फाइल से आप कर सकते हो। टिप्स नंबर 16 जो होती है वो होती है ब्रोकर लिंक्स। तो गाइज आपको अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस में आपको ब्रोकर लिंक्स चेक करने होंगे। ब्रोकर लिंक्स मतलब ये है कि अगर कोई यूजर उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करता है और वहां पे वो उसका नॉट फाउंड आ जाता है, तो ऐसे में क्या होगी, आपकी जो इंटरेक्टिविटी होगी यूजर की आपकी वेबसाइट के साथ में वो खराब हो जाएगी और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, तो चांसेस बन जाते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को स्किप कर जाए और छोड़ जाए। तो ऐसे में आपको ब्रोकर लिंक्स बहुत ज्यादा चेक करने होंगे, आपको उनको मतलब उनको फाइंड करके उनको सही तरीके से इम्प्रूव करना होगा, उनको हटाना होगा। और लास्ट में जो टिप्स आती है वो आती है कस्टम 404 एरर। तो गाइज अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पर्टिकुलर यूआरएल नहीं चलता है तो वो यूआरएल जो है वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होना चाहिए कस्टम 404 पर। तो कस्टम 404 पेज आप पर्टिकुलर डिजाइन करते हैं, अगर यूजर को कोई पेज आपकी वेबसाइट का नहीं मिलता है तो वो कस्टम 404 पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। वहां से आप अपने वेबसाइट के जितने भी यूआरएल है वहां पे मेंशन कर सकते हैं, आप उनको एक रेस्पेक्टिवली तरीके से यूजर को बता सकते हैं कि ये पेज जो फाइंड कर रहे हैं आप, ये नॉट फाउंड है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप अदर पेज पर जा सकते हैं। तो गाइज आपको कस्टम 404 पेज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के, इस वीडियो में बस इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, आप बोर भी हो रहे होंगे। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।